सासाराम में गंदगी और जल जमाव के खिलाफ आरसीपी जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह के नेतृत्व में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। गंदगी और जल जमाव से जीना हुआ दुश्वार, लोगों ने साफ सफाई के लिए अधिकारियों से लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी और मैं आपके साथ हूं प्रदीप भारद्वाज। सासाराम के रोजा रोड में जल जमाव और गंदगी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह की अगुवाई में दवा व्यवसायी एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। गंदगी और जल जमाव से नाराज लोगों की शिकायत इस बात को लेकर है कि ऐतिहासिक शहर सासाराम की मुख्य सड़क रोजा रोड में विश्व धरोहर शिरसा का मकबरा, विश्व धरोहर किला के अलावा सरकारी व निजी हॉस्पिटल स्थित है, जहां हर दिन स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। लोगों ने बताया कि गंदगी और जल जमाव के बीच रहकर जीना दुश्वार हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सासाराम नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। इधर सासाराम नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने रोजा रोड से गंदगी हटाने एवं नाले की साफ सफाई कराए जाने का लोगों को भरोसा दिया है। विरोध प्रदर्शन में निरंजन सिंह, राजेश कुशवाहा, प्रमोद सिंह, कुलेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, मनोज कुमार, द्वारका प्रसाद, सभी दवाई व्यवसायी संघ के सदस्य शामिल रहे। सासाराम से संदीप भेलारी की रिपोर्ट। सासाराम नगर निगम भ्रष्टाचार में लीन है।